तो बैल टू माई चैनल अरे कहना क्या चाहते हो <laughs> तो इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना कि दी आपकी हल्दी हो गई आपकी शादी हो गई नहीं यार मेरी हल्दी शादी कहां से आपको लग रहा है आई नो मैं हल्दी वाले लुक में आ जाई हूं पर इसका मतलब ये नहीं कि शादी और हल्दी हो गई है मेरी कजिन की शादी थी जिसका हल्दी लुक आज मैं आपसे रिक्रिएट करने वाली हूं क्योंकि काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि दी ये लुक आप रिक्रिएट करो कपड़े कहां से लिए चप्पल कहां से लिया मेकअप क्या यूज किया हर किसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप बाई चांस खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाके खरीद सकते हो और वो लुक में मैं इतनी प्यारी लग रही थी ना मैं ही मतलब वो वाला डायलॉग याद आ गया मैं हुन परी मैं जाने जहां मैं सबसे हसी मैं सबसे जवा ओम oh गॉड इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे <laughs> इतनी तारीफ वो वाला लुक मैंने क्रिएट करने जा रहे हो सारा सामान फैला हुआ है चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इतनी प्यारी कैसे लग रही थी बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा मेकअप था वो सो खैर चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जब भी तो जा कर ही दो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और बेल प्रेस कर देना सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट के अच्छी फैन तो अभी मैं रेडी करती हूँ ये एलोवेरा जेल है मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यहाँ पे मेरे ड्रामे चालू हो गए ये मैं आई थिंक पता नहीं कौन सी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मुझे याद नहीं है बट ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है आपको एक बार ट्राई करना तो बनता है इतना ज़बरदस्त फेस कर देता है ना बिल्कुल सॉफ्ट एंड यहाँ पर मैं पागल की तरह करूंगी अभी भी करूंगी आगे भी करूंगी प्लीज़ इसको आप ध्यान रखें तो मैं अपने पूरे फेस पे अपने नेक एरिया पे एलोवेरा जेल अच्छे से एक अच्छी लेयर लगा लूंगी जैसे फेस एकदम सॉफ्ट हो जाए आप देख सकते हो फेस तो वैसे ही चमक रहा था उसके बाद मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज करूंगी हमेशा मैं तो बोरोलिन लगाती हूँ अभी वैसलीन लगा रही हूँ बिकॉज बोरोलिन मिली ना मिला ही नहीं तो लिपस्टिक लगाने से पहले ये जरूर कर लेना क्योंकि उससे लिप ड्राई नहीं होता बहुत अच्छा इफेक्ट आता है नेक्स्ट मैं यहाँ पे लैकमी नाइन टू फाइव सी सी क्रीम यूज़ करूंगी मेरा पर्सनल पर्सनल फेवरेट यहाँ पे मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो तो ये तो निकल ही नहीं रहा था यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर जिससे फेस इतना जबरदस्त तरीके से ब्यू... क्या बोल रही हूँ ब्लेंड होता है ना यहाँ पे आपको ब्रश मत यूज़ करना मुझे बिल्कुल ब्रश पसंद नहीं है अगर आपको पसंद है तो कर सकते हो बट मुझे यहाँ पे ब्लेंडर से यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है फेस यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पे आवाज़ भी दे रही थी कि चुप हो जाओ यार मेरे को शूट करना है और बात भी कर रही थी अपनी बहन से तो अच्छे से फेस को ब्लेंड करने के बाद अपने नेक एरिया को बिल्कुल मत भूलना क्योंकि नेक काला और शक्ल उजला लगेगा तो वैसे भी मजाक बन जाओगे <laughs> तो मैं तो बिल्कुल नहीं भूलती और थक गई थी मैं ब्लेंड करते हुए तो दूसरा हाथ मैंने चालू कर दिया एंड यहाँ पे हमेशा की तरह मैं एक सस्ता और नॉर्मल पाउडर यूज़ करूँगी बिकॉज मेरे पास कॉम्पैक्ट तो है बट मैं वो उसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा पसंद है बहुत अच्छा इफेक्ट देता है एकदम व्हाइट कलर का <laughs> उसके बाद एक ब्रश यूज़ करूंगी सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है जाकर चेक कर लो वहाँ से खरीद भी सकते हो एंड ड्रेस चप्पल सबका लिंक मैंने दे दिया शायद ड्रेस का अगर नहीं मिला होगा ना तो मैं कोई अल्टरनेटिव दे दूँगी तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फेस को सेट कर लिया है पाउडर एंड बहुत थक गई थी और बहुत गर्मी थी इसलिए फैन तो ऑन कर ही दिया था यहाँ पे अपने ब्लैक आई शैडो से जो कि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे जैकलिन मॉर्फे का मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ किया है जिससे एक नॉर्मल ब्रश लेकर अपने आई शेडो सॉरी बोलते हैं उसको <laughs> समझ गया ना <laughs> उसको फील कर लिया है उसके बाद यहाँ पे मैं सिवाना का ब्लश पैलेट ले रही हूँ इसमें ब्लश कॉन्टोर एंड उसके साथ साथ हाइलाइटर भी मिलता है जो कि ए वन क्वालिटी का ये मुझसे गिर जा रहा था बार बार तो मैंने सोचा कि यार क्या हो रहा है आज तो अच्छे से मैंने इसको कॉन्टोर किया है एंड ट्रस्ट मी ये फेवरेट पैलेट है मेरा इन पूरे इंटायर थिंग में क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इतना जबरदस्त है ना कि मैं क्या बताऊ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आप एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो इस पर फिर कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे मेरी गारंटी है तो मैंने पूरे फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लिया शक्ल अजीब अजीब सी बना रही थी क्योंकि मेकअप में तो ये तो चलता है उसके बाद मैं अपने नोज़ एरिया को कॉन्ट्रोल कर लूंगी बिकॉज तो नोज को तो करना ज़रूरी है वैसे भी शेप अच्छा नहीं और खराब हो जाएगा तो इसलिए मैंने नोज़ को अच्छे से कॉन्ट्रोल कर लिया है बिकॉज़ वरना एकदम शक्ल व्हाइट व्हाइट सा अजीब सा दिखता है तो कॉन्ट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है इसी का मैं ब्लश यूज़ करूंगी एंड इसका पिगमेंटेशन इतना ज़बरदस्त है ना कि मतलब आप एक बार सिर्फ लो एंड दूसरी बार आपको शायद ही लेने की जरूरत पड़े बहुत ज़बरदस्त इसका पिगमेंटेशन है एंड मैं अपने गालों को लाल कर लूंगी सॉरी गुलाबी कर लूंगी उसके बाद अपनी नाक को भी हल्का सा गुलाबी करूंगी क्योंकि मुझे पसंद है गालों के साथ साथ थोड़ा सा ब्लश अपने नाक पे भी लगाना ओके तो ये हो जाने के बाद यहां पे एक नॉर्मल ब्रश लूंगी एंड इससे मैं अपने पूरे जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स है फेस के उसको हाईलाइट कर लूंगी और ये कितना फेवरेट है आप इससे देख सकते हो कि मेरा हाईलाइटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया खत्म होने वाला है तो मैंने पहले आईब्रो पे लगा लिया है बिकॉज इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है ना उसके बाद मैं अपने नाक पे लगा लूंगी मतलब हाइलाइटर कंपल्सरी है अगर आपने मेकअप किया है और अपने फेस पे अगर हाइलाइटर आप नहीं लगाते हो अपने मेकअप नहीं भी किया हो और फिर भी अगर हाइलाइटर लगा लेते हो ना आपके फेस पे एक अलग ही चमक और अलग ही ग्लो आता है तो ये तो आप बिल्कुल स्किप मत करना हाइलाइटर मस्करा ये सारी चीजें तो एकदम मस्ट है तो मैं जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट है आप देख सकते हो मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया है अपने नोज पे अपने आ, कानों गालों पे नाक हर जगह पे लगा लिया है <laughs> उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है अपने नेक एरिया को हाईलाइटिंग हाईलाइट highlight कर, highlight करना हाईलाइटिंग मतलब हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर आप मोटे भी हो तो पतले लगते हो मेरी तरह पतले लगोगे क्योंकि हूं तो मैं मोटी पर तो। यहाँ पे मैंने लिया है उसके बाद मस्करा इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड ये मस्करा मैंने अच्छी से एकदम एक अच्छा कोट लगाया है जिससे एकदम मस्त आँखें एक दिख रही थी एकदम ये काली काली आंखें <laughs> उसके बाद स्टाइल मारना पोज मारना कम नहीं हो रहा था देन मैं लगाऊंगी लिपस्टिक एंड लिपस्टिक इसका शेड ओ माई गॉड इसका भी लिंक इसका क्या सबका लिंक दे दूंगी इसका शेड आप देख सकते हो इतना प्यारा शेड मैंने तो मतलब दिल खुश हो गया तो इसका शेड

तो पट्टा मुझे मिलेगा तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड उसके बाद ये वाला लुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब ये बन वाला लुक तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्योंकि बाल खोल कर एक स्टाइल पोज मारा जाए उसके बाद ये वाला लुक मैंने बोला हट अभी ये नहीं चलेगा तो मैंने बाल अपना खोल लिया एंड उसके बाद का लुक आप देख सकते हो एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना